तो नमस्कार, सबको स्वागत है फिर हमारी छोटी सी वीडियो में। आज का वीडियो में जो कि हम दिखा रहे हैं, आज मेरे सास ससुर यानी कि मेरे पत्नी के उनके माता पिता वो आज घर की ओर जा रहे हैं, और जितना दिन रहे बहुत ही अच्छा लगा हमको। और जो कि आए थे तो ये जो बोरा है ये इसको लेकर के लाए हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है। तो ये जो ब्रिज के आसपास जो ये जो नीचे पड़ा रहा था तो ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा रहेगा। तो अगर मेरे जो सास ससुर हैं वो एक काम करते हैं जो कि इसका रस्सी निकालते हैं एक एक करके, और जो कि गाय को जो कि बांध के रखते हैं वो वाला रस्सी वो बनाते हैं और बेचते हैं, और भी बहुत प्रकार का बांधता है और बेचते हैं। मेरे मम्मी पापा भी बनाते हैं, वो अभी बना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा इसका जो है वो क्या क्या चीज़ बनता है। और ये उनका पुराना काम है, जितने भी वो बड़े आदमी बन जाए या जितने भी नया नया काम कर रहे, लेकिन ये है उनका पुराना काम, तो इसको वो नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए यही मेहनत करते आए हैं। और अगर इसका ये वाला काम अगर छोड़ेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये वाला काम वो नहीं छोड़ेंगे। और इसको लेके जाएंगे ऑटो में, और एक ऑटो मैंने भाड़ा किया हूँ, और अभी खाएंगे घर में खा करके जाएंगे। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो उसका जो है वो क्या क्या चीज़ बनता है, मेरे मम्मी पापा ने बनाए हैं पहले से। ये देखिए, ये जो मेरे मम्मी लाए हैं ये अभी आधा अधूरा है, इसको अच्छे से नहीं बनाए हैं, और इसको अच्छे से बनाएंगे और बेचेंगे। देखिए उसका ही बनता है, उसका ही बनता है ये। जैसे कि देखिए हमारे बकरी को भी जो कि हम बांध के रखे हैं, ये देखिए ये भी उसी का ही है, आप देख सकते हैं, लेकिन पुराना हो गया है। इसका ही सब कुछ बनता है, इसीलिए जहाँ पे ब्रिज बांध रहा है ये वेस्ट जा रहा है, इसीलिए इसको लाए हैं और इसको लेके जाएंगे अपने घर और वहाँ पे बनाएंगे और बेचेंगे। दोस्तों अभी खाने का टाइम हो गया है, और मेरे सास ससुर को खाना खिलाएंगे उनको, और जो कि ऑटो आ रहा है वो सामान जो है वो ऑटो में लोडिंग करेंगे, और मेरे सास ससुर जो हैं वो अपने घर की ओर जाएंगे। दोस्तों चिकन भी किए हैं, लेकिन मेरे जो सासू माँ हैं वो चिकन उनको आज अभी चिकन नहीं खाएंगे बोले, और मेरे सासुर जी हैं वो चिकन खा रहे हैं, चिकन और अलग से सब्जी हुआ है। और तुम नहीं बनाए हैं? मेरे सासू माँ जो वो सूखा सूखा खा रहे हैं, कुछ टमाटर का खट्टा बना करके लाओ।
टमाटर का खट्टा बना करके लाओ, सूखा सूखा खा रहे हैं। दोस्तों जंगल जा करके ये कुछ सब्जियाँ, ये कुछ खाने वाला पत्ते, प्याज का पत्ता लाए हैं, वो लेके जाएंगे। वहाँ पे उतना नहीं मिलता है उनके एरिया में, उनके एरिया के जंगल में नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ से लेके जाएंगे। इसलिए हम इसको हम अच्छे से पैकिंग कर देते हैं बैग में। जितना लेके जा रहे हैं ना पूरा, ये मक्खन भी है। না করে নথাও নথাও लेकिन आना कट सुन से फालू जा
दोस्तों मेरे सास ससुर जो है वो घर की ओर चले गए, और अभी मेरे पत्नी और मोहिमा वो दोनों बैंक जाएंगे, बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खोलेंगे मोहिमा के नाम से, और उसके लिए अभी डॉक्यूमेंट सब कुछ निकाल रहे हैं मेरे पत्नी ना। गड़बड़ है का ना, इनका मत है दो तीन स्टार्ट कर। हाय हाय कर दे। दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत ही बारिश हो रहा है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। आपके वहाँ पे बारिश हो रहा है कि नहीं जरूर कमेंट करिए। आज तो 5 तारीख है, आज ट्यूसडे है, और यहाँ पे अभी भी बादल है, आज भी बारिश होगा ऐसा लग रहा है। और ठीक है, बारिश के मौसम में बारिश होगा अच्छे से तो बहुत अच्छा होगा, जो कि बहुत ही सब्जी हैं जो कि जंगल में पत्ते हैं, और भी बहुत सब कुछ उगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारे यहाँ पे बारिश के मौसम में हमको हमारे गांव के जितने भी लोग हैं रहते हैं सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जंगल में बहुत ही खाने का चीज़ मिलता है, जो कि मशरूम हो गया, बहुत बहुत प्रकार। और आपको वीडियो में भी देखने के लिए मिलेगा हमारे वीडियो में, और धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी अगस्त महीना में तो मशरूम बहुत ज़्यादा होता है, ये जुलाई में ही होगा, जुलाई में लास्ट के टाइम में होगा, जैसे कि 25, 26, 27, 28 तारीख के अंदर ही होता है मशरूम, और हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। और हमारे गांव से जंगल से मशरूम ला करके टाउन में भी जाके सिटी में भी बेचते हैं, और वहाँ पे बहुत खरीद के लोग खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ठीक है, आज का ये छोटा सा वीडियो सबको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।